ओमकार करेंगे। विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावतीता त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। एक लंबे सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। हर श्वास में ब्रह्म का जाप। ब्रह्म से लेना, ब्रह्म से छोड़ना। ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री। ये परम ब्रह्म आपके अंदर ही है, आप ही ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म के अंदर हैं, ब्रह्म आपके अंदर है। सर्वभूतस्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जब आप ब्रह्म में हैं, ब्रह्म यानी आत्मा परमात्मा ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा ब्रह्मा के आप अंदर हैं और आपके अंदर आत्मा परमात्मा ब्रह्मा है। मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, आत्मा परमात्मा के अंदर हूँ और आत्मा परमात्मा ब्रह्मा मेरे अंदर है। चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म और मेरे अंदर भी ब्रह्म ही ब्रह्म, आत्मा परमात्मा ब्रह्म। इस स्थिति को हम योग कहते हैं। तो हम अपने शरीर को उस ब्रह्म भाव से देखते हुए पैर के अंगूठों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक, घुटनों से जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत तक एकाग्र करें। एक एक करके दोनों पैर को देख लीजिए और देखकर मन में ब्रह्म का भाव, ब्रह्म का जाप कीजिए मन में, बिना होठों को हिलाए। टेल बोन पर आपका फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, जिसको हम चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र, जहां चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
यहां से आप श्वास लेते हुए ब्रह्म का भाव, धीरे धीरे मन को ऊपर लाइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चार पुरुषार्थ की शक्ति के बाद जननेन्द्रिय यूरिनरी पॉइंट पर जल तत्व है, यहां पर आप छह प्रोपेंसिटीज वृत्तियां हैं, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, प्रश्रय, अवज्ञा, यानी हम इन छह प्रोपेंसिटीज वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं जब हम श्वास के साथ ब्रह्म का जाप करते हैं, ब्रह्म का भाव लेते हैं। धीरे धीरे मन को नाभि पर लाइए। नाभि पर आपका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है। यहाँ आपकी अग्नि, जो आपकी लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत या पाचन तंत्र अग्नि से कनेक्टेड है। फायर एलिमेंट आपके संसार की अग्नि के साथ यहाँ जुड़ा है और आप यहाँ पर 10 वृत्तियों पर नियंत्रण करते हैं। लज्जा, शाइनेस, पिशुनता, बैक बाइटिंग, सैडिज्म, ईर्ष्या, जेलसी, सुषुप्ति, लेजीनेस, विषाद, डिप्रेशन, कसाय, इरिटेबिलिटी, मोह, फॉल्स अटैचमेंट, घृणा, हेट्रेड, भय, फियर, लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय, इन 10 वृत्तियों पर नियंत्रण करेंगे। जब आप चक्रास के फोटो देखेंगे तो आप 10 पेटल्स देखेंगे कमल के फूल का उस जगह पे। तो हर चक्र पे कमल का पुष्प आपको दिखेगा, जो एनर्जी सेंटर्स है जहां पर आप अलग अलग आपकी बॉडी की एनर्जीज को जो प्रकृति की एनर्जी उससे मिलाएंगे। इस प्रकार आप पंच महाभूत प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और आपके बॉडी की पंचमहाभूत प्रकृति को मिला देंगे तो आप योगी हो जाएंगे, आयुर्वेदी शक्ति को प्राप्त करेंगे। आयु का मतलब जीवन, वेद का मतलब ज्ञान, जीवन विज्ञान को समझ लेंगे। धीरे धीरे मन को हृदय पर लाइए। ब्रिंग योर माइंड टू द सेंटर ऑफ चेस्ट, रेजुवेनेट योर हार्ट एंड लंग्स, हृदय और फेफड़े को जागृत करें और हर श्वास में ब्रह्म का जाप करते हैं। 12 वृत्तियां, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, विवेक, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप, अहंकार, यह 12 वृत्तियां जो हैं, 12 प्रोपेंसिटीज, द प्रोपेलिंग इंस्टिंक्ट, द बेसिक प्रोपेलिंग इंस्टिंक्ट ऑफ योर माइंड व्हिच गवर्न्स योर थॉट्स टुवर्ड्स वन डायरेक्शन व्हिच हैज टू बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द परम ब्रह्मा। आपकी 12 वृत्तियां आपको इसमें जो है आशा, पॉजिटिविटी है, जो हर समय आप हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ जीते हैं, इसको आशा कहते हैं, वो आपके हृदय पर होता है। इसीलिए मन को कभी भी हृदय से नीचे नहीं जाने देना, अनाहत चक्र से नीचे नहीं जाने देना है। आशा, चिंता को चिंतन में बदलना है। चेष्टा यानी आपका एफर्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि आप कभी निराश नहीं होंगे। ममता यानी प्रेम, दया, करुणा, कृपा। विवेक, पॉजिटिव और नेगेटिविटी में डिफरेंसेस समझ में आना और बाकी जो नेगेटिव प्रोपेंसिटीज है, इन 5 पॉजिटिव प्रोपेंसिटीज, 5 अच्छी वृत्तियों से नियंत्रण हो जाता है। अब सांस ले धीरे धीरे ब्रह्म से, छोड़े ब्रह्म से, धीरे धीरे मन को कंठ पर लाइए। विशुद्ध चक्र, यहां पर आकाश तत्व है और यहां पर आप पूरे जो नीचे के चक्रास हैं उसको आप संगीत के साथ जोड़ते हैं, प्रकृति के आनंदमयी ध्वनि के साथ जोड़ते हैं। सडज इज द साउंड ऑफ पिकॉक, ऋषभ रे इज द साउंड ऑफ बुल, गंधरा ग इज द साउंड ऑफ गोट, मध्यम म इज द साउंड ऑफ डियर,
Panchampa is the sound of quail, Dhavadha is the sound of donkey, Nishadni is the sound of elephant. Sa, Sadaj, Risav, Re, Gandharaga, Madhyam, Ma, Pancham, Pa, Dhavadha, Nishadni, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni. भगवान शिव की यह कृति की सप्त सुर संगीत, बिना संगीत के आपको आनंद नहीं आएगा। आप जब भगवान का नाम लेंगे गाकर तो आपको आनंद ही आनंद, और उसका केंद्र है विशुद्ध चक्र, इसलिए विशुद्ध है। यहाँ पर सबसे उच्च कोटि की ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड, जिसकी गड़बड़ी हाइपो हाइपर थायराइड आपकी इरिटेबिलिटी, आपके इंसोमेनिया से लेकर आपको लेजीनेस ओबेसिटी की ओर ले जाता है, और यह सब का कारण है आपका मन का अनियंत्रण, जो आपकी नीचे की अग्नि को डिस्टर्ब करता है, वायु को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए आप अगर भगवान का नाम लेते हो, ब्रह्म का नाम लेते हो, अब इन सभी एनर्जी सेंटर्स चक्रास को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप आनंद और शांति में जिएंगे। धीरे 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 अपने शरीर को नियंत्रण करने वाली सत्ता, आपका मन का केंद्र जो आत्मा के साथ है, वह है तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, दोनों आँखों के बीच जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वह हमारी आत्मा का स्थान है। हम यहाँ परम ब्रह्म परम चैतन्य को अपने साथ एकाकार होते हुए देख सकते हैं, और इस स्थान पर परा और अपरा, यानी संसार में परा यानी मुक्त और अपरा संसार में युक्त, दोनों में हम बैलेंस में रहते हैं। हम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रह सकते हैं, यानी ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता माग्रिदः कर्ष्य शुद्धिनम्, यानी ईशोपनिषद के श्लोक पर आप ये समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसीलिए जो कुछ भी आप भोग करते हैं वह भी योग के साथ करें, भगवान के नाम के साथ करें, और इसका केंद्र आपका आत्मिक जागृति है। आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव बुद्धु बुद्धिं तु सारथ विधि मनः प्रग्रमेव च, आपकी आत्मा अगर जागृत है तो आप अपने शरीर को वह वाहन बनाते हैं जिस पर स्वयं परमात्मा सारथी बनकर आपको अपने गंतव्य परमात्मा आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार कराते हैं। एक लंबा गहरा सांस अंदर, कमर गर्दन सीधी, इस अज्ञा चक्र को आप फील करेंगे, एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपके ज्योति, दिव्य ज्योति आपके दोनों आंखों के बीच से प्रस्फुटित हो रही है, और वह दिव्य ज्योति अनंत ब्रह्म को एकाकार करते हुए आपके सहस्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर पहुंच जाएगी, और यहाँ पर जो नीचे से ऊपर तक के नौ चक्र हैं, प्रथम शैल पुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति, कात्यायनीति, षष्ठकम सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टवम, नवमम सिद्धिदात्रिति, नवदुर्गा परिकीर्तिता, ये हमारी पूरी सात चक्रों से हमारे ब्रह्मरंध्र आज्ञा चक्र, जो दोनों आँखों के बीच थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस, आत्मा का केंद्र से ब्रह्म का जो स्थान, जो शिव चैतन्य का स्थान, जो सहस्रार पर है, जो मस्तिष्क के ऊपर है, इनके बीच में यह तीन चक्रास हैं जो आपको आनंद के साथ परमानंद को एकाकार करता है, और यहाँ से आप ब्रह्म के इस भाव के साथ मन को आप पुनः हृदय पर ले आइए, और श्वास लेते रहिए ब्रह्म से, छोड़ते रहिए ब्रह्म से, एक लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, और धीरे धीरे आप खुली आंखों से आप ध्यान करेंगे। अब आप धीरे धीरे अपने दिव्य चक्षु को, आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वह सब ईश्वर है, सब भगवान है, जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं वह सच्चा ध्यान है, और जब आप सच्चा ध्यान करते हैं यानी ईश्वर सब कुछ में देखते हैं, सब कुछ में आप परमात्मा देखते हैं, तो आप खुली आंखों से सब कुछ में भगवान ही को देख सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद कर, बंद आंखों से भी ईश्वर देख लेंगे अगर आप, तो आप खुली आंखों से सदैव ईश्वर देखें। अभी तक आप चक्रास और ग्रंथियों पर आप एकाग्र कर रहे थे, अब आप अनंत ब्रह्म अनंत परमात्मा को आप बंद आंखों से महसूस कीजिए। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर,
दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र है, जो हृदय से आप मन आपके वहां तक है, और धीरे धीरे आप अपने शरीर को आनंद में ले जाते हुए हाथ जोड़े और बोले मेरे पीछे, नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। आप त्रिकुटी को अपने दोनों हाथों के जुड़े हुए हाथों से आप स्पर्श करें और फिर आप अंगूठे को छाती पर लाए, आत्मा को हृदय से प्रणाम, ऊपर ले जाकर नीचे लाए, हाथ जोड़कर, आई सैल्यूट माई कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माई हार्ट, मैं अपनी आत्मा को सबकी आत्मा को हृदय से प्रणाम करता हूं करती हूँ ऐसा सोचिए। अब आप हाथों का दर्शन करें और अपने हथेलियों से अपने आंखों पर रखें और थोड़ा गोल गोल घुमाएं और फिर दूसरी दिशा और ऊपर से नीचे मालिक सहलाइए और इसको थोड़ा सा टच कर लें तो आपका जो आपकी प्राणिक शक्ति है हाथों में आ जाती है और जब सिर्फ स्पर्श करेंगे तो आनंद आएगा। और आपको जो अगर दर्द होगा, मान लीजिए आपका पैर सुन्न हो गया होगा बैठे बैठे, तो उसमें भी आपको आप टच करके धीरे धीरे उसको रिलीज करें।